मेरे प्यारे दोस्तों, हर वर्ष प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पर्व के दिन पवित्र माता कलीसिया में विश्व संचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 16 मई इतवार के दिन हम 55वां विश्व संचार दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने विश्व को संबोधित अपने संदेश का विषय रखा है, आओ और स्वयं देख लो। इसका अर्थ यह है कि संचार माध्यम के जरिए जो भी कार्य हम करते हैं उनमें पूरी तरह पारदर्शिता, ईमानदारी एवं विश्वसनीयता होनी चाहिए। संत पापा आगे कहते हैं कि जितने भी लोग संचार माध्यम में कार्यरत हैं, उनका साहस, धैर्य और निष्ठा सराहनीय है। पत्रकार, कैमरा ऑपरेटर्स, संपादक एवं निर्देशक, इन सभी लोगों का जिक्र करते हुए संत पापा कहते हैं, अक्सर पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालते हुए लोगों को सच्ची खबर देने का कार्य करते हैं। अमीर और सत्ताधारी लोगों के प्रभाव और उनसे उत्पन्न जोखिम की परवाह नहीं करते हुए पत्रकार गरीबों पर होने वाले अत्याचारों एवं पर्यावरण हनन जैसे संवेदनशील विषयों की जानकारी हमें देते हैं। इन्हीं पत्रकारों की वजह से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे अल्पसंख्यक लोगों पर होने वाले दुर्व्यवहार और उनके द्वारा सहन किए गए कष्टों से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। अगर इस प्रकार के अमानवीय अत्याचारों को संचार माध्यम द्वारा प्रकाश में नहीं लाया जाता तो यह मानवता के लिए नुकसानदायक साबित होता। इसीलिए पत्रकारिता एवं मीडिया गतिविधियां केवल समाचार और मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता के लिए आवश्यक है कि पत्रकार सड़कों और धूल भरे रास्ते पर जाएं, लोगों से मिले एवं उचित जानकारी हासिल करें। लेकिन आज का व्यावसायिक मीडिया खुद को न्यूज रूम तक सीमित कर देता है और सिर्फ वही जानकारी हमें देता है जो शक्तिशाली पूंजीपतियों और पदाधिकारियों एवं कुलीन वर्ग के अनुकूल। इस प्रकार के पत्रकार सड़कों पर उतरना और घटनाओं की सत्यता को स्वयं देखना नहीं चाहते, इसीलिए उनके द्वारा दी गई जानकारी वास्तविकता से कोसों दूर है और ये लोग पत्रकारिता के लिए एक कलंक है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी अपने समाज में फैलाई जाने वाली गलत सूचनाओं के दुष्प्रभावों से एवं खतरों से पूरी तरह परिचित हैं। अतः हमें से हर एक हमारे द्वारा किए गए संवाद के लिए स्वयं जिम्मेदार है। गपशप और झूठ से पारस्परिक संबंध, परिवार और समाज टूट जाते हैं। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम जो संवाद कर रहे हैं क्या वह सच है और जो हम साझा कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, क्या वह वेरीफाइड है, वह नकली या फेक तो नहीं है। हम सभी को सच्चाई का गवाह बनना है, स्वयं जाना है, देखना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, साझा करना है। प्रभु यीशु के सुसमाचार ने इतने सारे लोगों के जीवन में प्रवेश किया और प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु का आओ और देखो इस निमंत्रण को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। विश्व संचार दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सब यह दृढ़ संकल्प करें कि
कि हमारा हर संवाद, चाहे वह किसी भी माध्यम के द्वारा क्यों ना हो, वह सदैव ईमानदार, वास्तविक, दयालु और जीवन देने वाला। कोरोना महामारी जैसे कठिन परिस्थिति में संचार माध्यम के जरिए लोगों की सहायता करने वाले हर एक पत्रकार के लिए हम इस अवसर पर प्रार्थना करें और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। पुनः एक बार आप सभी को आगरा महाधर्म प्रांत के कम्युनिकेशन आयोग की तरफ से विश्व संचार दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सभी को जय सुखी।